तर लक्षात घ्या या स्पर्धेमध्ये पाच संघाने सहभाग घेतलेला आहे. उसमें जो जीतेगी वो जो फाइनल में गई है उनके साथ खेलने वाली है. तो ऐसा यहाँ पे शेड्यूल है. तो फिर से एक बार मैदान के ऊपर मैं सभी को ले चलता हूँ. हालांकि पहली गेंद यहाँ पे देख सकते हैं, पहली गेंदबाज आकाश. तो ये मैच देख सकते हैं टीम रमित और टीम भरत, माफ करें गोलभ, गोलभ सर और बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात रमित सर. मैच संभव है गोलभ सर बनाम रमित सर. ये कड़ा संघर्ष. पहली गेंद क्या बात है, टप्पा खाने के बाद यहाँ पे हम देखे तकरीबन एक फीट ये गेंद घूमी और पूरी तरह से बल्लेबाज को यहाँ पे चकाती हुई, बल्लेबाज को बीट किया. अक्सर यहाँ पे हम देखेंगे तो गेंदबाज सही तरह से गेंद घुमाना जानते हैं. उंगलियों के जादूगर जिसे कहा जाता है खानाव एक्सप्रेस आकाश भोदे. फिर से एक बार बड़ा शो खेलने का प्रयास, मगर गेंद काफी देर हवा में, वहां पे सागर मौजूद और एक आसान सा कैच बल्लेबाज निमिष राउत बैक टू द पवेलियन. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गलत जो शॉट सिलेक्शन था और इसके वजह से हम देख सकते यहाँ पे अपना कीमती विकेट यहाँ पे गेंदबाजी की वही बल्लेबाज. जैसे एक बार गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ यहाँ पे बल्ले का भारी सिया लिया, गेंद वहाँ पे लुढ़कती हुई और किसी भी यहाँ पे रनने की गुंजाइश नहीं और बिंदी गेंद आती हुई. अभी भी जीतने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जीतना है तो अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा टीम रमित सर की. फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, मगर फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का भारी सिया, फिर से गेंद बार गली की रीजन पर. यहाँ पे फील्डर मौजूद है, जब तक स्विंग करेंगे एक रन यहाँ पे पूरे करते हुए एक रन के साथ टीम का भी. अभी भी इस ओवर में दो तीन रन बाकी, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है. मैंडेटरी ओवर में हालांकि अक्सर एग्रेसिव बैटिंग होती है, मगर इस ओवर में हम देखते हैं पूरी तरह से मान के रखे दोनों बल्लेबाजों को. जिस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है. जैसे एक बार स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज सुजीत दसाने, ये फिर एक बार बैकवर्ड में जाकर पंच करने का प्रयास. वहां पे फील्डर मौजूद, मगर पहले आइटम ने यहाँ पे चूके और इस वजह से हम देख सकते हैं बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में एक रन यहाँ पे हासिल किया, अर्जित किया और एक रन के साथ दो रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. दो रन अब तक बन चुके हैं. अभी भी आखिरी गेंद ना बाकी इस ओवर का स्ट्राइकर बल्लेबाज हनी पाटिल. फिर से एक बार यहां पे बीट किया और पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहला ओवर का खेल खत्म हो चुका है. एक ओवर के बाद काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पे महज दो रन खर्च किए और एक विकेट अपने नाम किया, एक विकेट चटकाया गेंदबाज आकाश. तो पहले गेंद का यहाँ पे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. दूसरा ओवर लेके अपने निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा सागर गायकर. स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज सुजीत दसाड़े जो हार्ड हिटर है, किसी के गेंद के ऊपर यहाँ पे जो बड़ा शॉट लगाने की काबिलियत उसमें है. और अभी अगर जीतना है तो अभी इसे यहाँ पे बड़े शॉट लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि पहले ओवर में महज दो रन खर्च किए गेंदबाज आकाश ने. अभी भी तीन ओवर का ये मैच बाकी है, तीन ओवर में पूरी तरह से यहाँ पे आक्रमण करना है सुजीत को. यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास किया था, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी और उसी के साथ हम देख सकते हैं एक रन यहाँ पे पूरे करते हुए और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीन रन एक विकेट के नुकसान पर. हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट निमिष राउत ये मात्र ये तंबू में लौट चुके हैं और अभी नया बल्लेबाज सुजीत हसारे और सलामी बल्लेबाज हम देख सकते अभी भी मौजूद विनय पाड़ी. फिर से एक बार यहाँ पे बड़ा स्कोर खेलने का प्रयास किया था, मगर विनय पाटिल अपने कैच जो मगर अपने क्लिप छोड़ा और यहाँ पे अपना जो विकेट है वो विकेट यहाँ पे खोया. कम ऑन थैंक यू विनय पाटिल, आप एक्टिव खिलाड़ी है और आपके ओर से ऐसे अपेक्षा नहीं थी, आप क्रीज में मौजूद होना चाहिए थे, मगर आपने विकेट आपने यहाँ पे
दिया जो टीम को काफी महत्वपूर्ण ये विकेट था, क्योंकि किसी भी हालत में बड़े शॉट लगाने की जो हिम्मत रखते हैं वो भी नहीं पाली, अभी तंबू में लौट चुके हैं। तो नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं पर एक बार अभी बड़ा शॉट करने का प्रयास, गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर में, एक रन तो मिलेगा और एक रन पर संतुष्ट तो होना पड़ेगा। वहाँ पे काफी बढ़िया फील्डिंग और एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी और में आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे इस ओवर में पहले तीन गेंदों में महेश दो रन दर्ज किए गेंदबाज सागर ने। एक बार बड़ा शॉट करने का प्रयास, वहाँ पे फील्डर है मगर फुटबॉल खेल रहे थे। एक रन तो आसानी के साथ पूरे करते हुए एक रन के साथ फिर से एक बार स्कोर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है क्योंकि पहले गेंदबाजों ने भी पूरी तरह से बांध के रखा और ये गेंदबाज में दे सके बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध के रखा है, बड़े स्ट्रोक लगाने से पूरी तरह से वंचित किया है। अभी भी 2 गेंदाना बाकी। एक बार यहाँ पे फील्डर मौजूद है और एक आसान सा कैच, बल्लेबाज अभी बैट के लिए पहले और कहा कि गेंद यहाँ पे खेल प्रगति पर है। अब फ्री गेंद स्ट्राइक पर बल्लेबाज सुजीत दसाड़े, यहाँ पे अभी से यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने की शुरुआत करनी चाहिए बल्लेबाज को। एक बार ऐसी गेंद ही नहीं मिलती बार बार, हालांकि हम देखते हैं अंपायर जी ने नो करार दिया मगर अपने पास मौका था, ये गेंद बड़ा स्ट्रोक लेना चाहिए था मगर गेंद और बल्ले का संपर्क सही तरीके से नहीं था और 9 गेंद यहाँ पे और 1 रन, इसे टोटल को मिलाकर 2 रन बनेंगे और 2 रन के साथ 7 रन। अंतिम गेंद यहाँ पे स्ट्राइक पर बल्लेबाज अभी देख सकते हैं निरेश गुंदरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक और बॉलर के लिए ऑन द ग्राउंड यहाँ पे सागर के हाथ में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर फिर से एक बार 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ऐसे अगर रन आप बनाओगे तो काफी रन आपका नीचे जाएगा और अपने लिए यहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए मैच बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी है। अगर बड़े मार्जिन से जीतते हैं रमेश सर की टीम तो सीधा फाइनल में यहाँ पे एंटर करेगी। तो अपने लिए पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके गेंदबाज हम देख सकते हैं सुजीत ठाकुर। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद तीर से अंदर की तरफ यहाँ पे लाते हुए और पूरी तरह से देखेंगे तो बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास किया था मगर काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि गेंद वाइड जाएगी मगर टप्पा खाने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 फीट घूमी और इस वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाजों को मारने के लिए 1 रन यहाँ पे तो मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी 5 गेंदाना बाकी, फिर से एक बार स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाज सुजीत, फिर से एक बार बड़ा शॉट करने का प्रयास मगर अंपायर जी ने उसको नो करार दिया और 1 रन तो पूरे दूसरे का प्रयास और दूसरे रन को पूरे करते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं रनआउट के रूप में सुजीत दसारे मैच से पहुंचे। हम देख सकते हैं जो वादग्रस्त शैली था और इसके वजह से यहाँ पे सुजीत ठाकुर को बात किया और नए बल्लेबाज ये ओवर पूरा करने के लिए आए प्रणय। हालांकि इस ओवर में 1 गेंद तो हो चुकी है और टीम का स्कोर अब तक 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चलो स्ट्राइक एम पर बल्लेबाज, नया बल्लेबाज अभी आ चुका है बाबू सिपाही और ये ओवर पूरा करने के लिए गेंदबाज हम देख सकते हैं। चलो ज्यादा टाइम मत खर्च करो यहाँ पे मैच, अभी भी 1 ही गेंद इस ओवर की हो चुके हैं और अब बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम दे
के ऊपर खंबा उखाड़ दिया बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन आणि मांडे सुद्धा आलेले आहेत। आज प्रणय ने ऐसा लग रहा था कि अभी रन बनने वाला है, मगर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया बल्लेबाज का और पूरी तरह से यहाँ पे वापसी की है बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाले टीम ने। प्रणय हालांकि ये गेंद ओवर रन कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे हैपरकर गेंद थी मगर स्लोवर थी और इस वजह से सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाए बल्लेबाज और इस वजह से एक रन खाली मिलेगा और एक रन के साथ फिर से एक बार यहाँ पे बैटिंग जाकर बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास किया था मगर गेंद फिर से एक बार लॉन्ग के क्षेत्र पर वापस फील्डर मौजूद थे, फील करेंगे थ्रो करेंगे एक रन पूरे करते हुए और एक रन के साथ फिर से एक बार स्कोर 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इक्का और दुक्के से यहाँ पे काम होने वाला नहीं, अगर यहाँ पे जीतना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे क्योंकि पहले ओवर में महज 2 रन आप निकाले, दूसरे ओवर में 6 रन निकाले और इस ओवर में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं मगर पूरी तरह से नाकाम अब तक। और इस ओवर के अंतिम गेंद ऐसा लग रहा था कि ये ओवर बहुत महंगे साबित हो सकती है मगर प्रणय जी ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है, पूरी तरह से वापसी की है। फिर से एक बार ये अंतिम गेंद थी और अंतिम गेंद के ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से छुपते हुए बल्लेबाज को ये गेंद समझ में नहीं आई और तीसरा ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर का यहाँ पे खेल खत्म हो चुका है और 3 ओवर के बाद तो देखेंगे तो स्कोर बोर्ड के ऊपर अब तक 14 रन ऑन ऑफ स्कोर बोर्ड 14 रन अब तक बन वापसी करेंगे और अपना रन रेट है अच्छा तो बल्लेबाजी करने वाली टीम का बढ़ सकता है मगर उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रोक आना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज में वो ताकत थे वो काबिलियत है, हालांकि जो विनू है वो भी बड़े स्ट्रोक आज तक लगाते हैं, उसी के जो नाम स्ट्रोक के ऊपर बल्लेबाज है नीलेश गोंडी वो भी बड़े स्ट्रोक खेलते हैं मगर अभी देखो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन पूरी तरह से चेंज हुई है, जो डू फैक्टर रहता है हवा में थोड़ी सी नमी रहती है और इस वजह से अंदर से जो गेंदे बड़े सीमा रेखा के बाहर को अभी मुश्किल होते मारना, अभी देखेंगे तो थोड़ा सा ठंड यहाँ पे महसूस हो रहा है, हवा में थोड़ी सी नमी भी महसूस हो रही है और इस वजह से अभी जो बड़े स्ट्रोक है वो बड़े स्ट्रोक अब तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तभी भी यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी, हर गेंद के ऊपर यहाँ पे प्रहार करना पड़ेगा तभी तो कुछ काम बन सकता है। रन रेट के लिए तो यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है। सिद्धांत पुळेकर आपण घरी नाही जायचं, सिद्धांत पुळेकर आवाज होत असेल तर फिरा तिथून, सिद्धांत पुळेकर इकडे सगळे हात मारते तुम्हाला नाहीतर नेक्स्ट टुर्नामेंट तुम्हाला घेणार नाही, नेक्स्ट टुर्नामेंट तुम्हाला घेणार नाही लक्षात घ्या। पंच जरा ऑब्जर्व करा, मला मंडळाच्या वतीने मेसेज आलेला आहे, ऑब्जर्व करा ते काय करायचं ऑब्जर्व तुम्ही ठरवा, मला मेसेज आलं फक्त फॉरवर्ड करतो मी। एक बार अगली गेम सेकंड में बल्लेबाज बीनो यहाँ पे बड़ा स्लो गेंद फिर से एक बार सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए कम ऑन। थैंक यू 21 रन अब तक बन चुके हैं। तीसरा ओवर हालांकि प्रगति पर है, माफ कीजिए चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर है और पहले ही गेंद यहाँ पे 2 डाल चुके थे, उसके बाद बिंदी गेंद और उसके बाद एक छक्का आता हुआ और अभी भी इस ओवर में 4 गेंद आना बाकी। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज विनू है, एक बार अगली गेंद इसी बार बड़ा स्ट्रोक मगर ये गेंद बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अब सही सारी तरीके से टाइमिंग नहीं था मगर और यहाँ पे बल्लेबाज को सराहना करना चाहूंगा, काफी बढ़िया यहाँ पे दौड़ लगाई थी और 2 रन यहाँ पे पूरी गेंद में यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। फिर एक बार अभी यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक करने का प्रयास कर रहे हैं मगर बल्ले का और गेंद का यहाँ पे सही तरह के संपर्क नहीं था और रनआउट के रूप में यहाँ पे नीलेश गोंडी बैक टू द पवेलियन।
और तालियां बजनी चाहिए क्योंकि टीम के खुद कप्तान रमेश सर अभी देखो मैदान के ऊपर खुदा रहे तो मुकाबले में अभी आपके लिए यहाँ पे गेंदे खेलने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि अभी देखेंगे तो इस इनिंग की दो गेंदे आना बाकी है। अरे राहिलेले आवे आहेत अच्छी गेंद अच्छा एक पूरा दूसरा का प्रयास आउट आता भले बस आउट त्याला एक बॉल साठी कशाला एवढा नाटक केला परत गेला होता परत आला सर जी इतना जो थ्रो कर रहे हो अरे बॉल तेरे को दे अरे बॉल तेरे चाहे तेरे सर जी दादा सर जी ना क्या चल रहा है मैदान में बॉल ये वाइड है ना अंपायर ये वाइड क्या बात है क्या बात है 27 रन अब तक स्कोर बोर्ड के ऊपर अरे तो और एक रन 29 रन बन चुके हैं यहाँ पे देखने के लिए बल्लेबाजी करते हुए चार ओवर के बाद जीतने के लिए अभी 30 रनों की हाँ मांडे आपण उपस्थित झाल्यानंतरच या ठिकाणी 100 रुपयांचं पारितोषिक हातात आलेलं आहे पण तुम्ही मैदानामध्ये उतरल्यानंतर का संपलं का झोली भरली झोली भरली का अरे पावर संपलं डिस्चार्ज आहे का चला आता आपण जर घराघरामध्ये टायमिंग बघितलं तर बरोबर या ठिकाणी 3:54 झालेली आहेत उद्या दिवसामध्ये क्रिकेटचे मोठे स्पर्धे सामने आहेत मल्ल्यान इथे आणि युद्ध करणार डायरेक्ट तिसरं महायुद्ध होणार सर सामने पंच तुम्ही तुम्हाला जवळपास किती 25 किलोमीटर जायचं आहे तुम्हाला लक्षात घ्या त्याच्यामुळे तुम्ही काय करा तर तुम्ही लवकर सुटणार आहात आणि तुम्हाला पेनल्टी ऑलरेडी बसलेली आहे हा आता इथे आणखी पहा डीजे मास्टर सकाळची पहा जी भक्ती गीते ते लावायला सुरुवात करणार आहे कारण टायमिंग बघितलं तर 4 वाजले तुम्ही भक्ती गीते रेडी ठेवा पहिलं तुझ्या कृपेने दिन उगवूया आणि आमचे केबल आणि मांडे सुद्धा झोपलेत ना केबल सुद्धा गरम झालेली आहे तर जायच्या अगोदर इथे मॅच संपवा या ठिकाणी वसंतजी मात्रे साहेब आहेत पण मांडे गेले तर सगळी सूत्र हलणार आहेत लक्षात घ्या मांडे बसले तरी कुठे संपत त्यांची बॅग आहे ती माझ्याजवळ द्या त्यांची बॅग माझ्याजवळ द्या त्याला सगळ्या प्रकारची गीत वाजवतो पण तो काय करतो एक गीत नाचतोय आणि म्हणतो तो भूलच होतोय परत एक तासाने येतोय क्या बात है बहुत बढ़िया थैंक यू ये गाणं वाजवलं सुद्धा जर मांडे उतरत नसेल तर आता नक्कीच पावर लावा नाही त्याला मला असं वाटलं की या गाण्यावरती उठेल तो किती लावायची धाव एकच लावायची आहे ना पंच धाव फक्त एकच लावायची आहे ना
गेंद, उसके बाद छक्का, उसके बाद एक रन और उसके बाद दो रन, ऐसे कोई मिलाकर अब तक 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर के 2 गेंद बाकी, स्ट्राइक नंबर बल्लेबाज सागर मात्रे। उधर देखिए गेंद थी, मगर गेंद ने बल्ले का भारी सिया दिया, गेंद फिर से एक बार मिड ऑन के क्षेत्र पर, वहां फील्डर मौजूद थे और एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर 10 के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर की, अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद। फिर से एक बार स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज आकाश गुंदरी, यहाँ पे देहरादून से खेलने का प्रयास किया था, एक रन यहाँ पे मिलेगा और काफी समझदारी का क्रिकेट यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मालूम है आगे 30 रन का यहाँ पे टारगेट है, अगर इक्का और दुक्का यहाँ पे निकालेंगे तभी ये जो टारगेट है ये फिर जीत है हासिल हो सकती है। और इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर में यहाँ पे अब तक 11 रन जोड़े, अभी जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। गेंदे और 19 रनों की जरूरत, ये मैच में रन लाएगा विनय पाटिल, ये मैच रोमांचक होने वाला है के ऊपर। अगर विनय पाटिल जो पहले मैच में मैडन ओवर डाला था उसी तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो मैच में पूरी तरह से वापसी करेंगे। पहली गेंद तो यहाँ पे बिजली आती है जोरदार, मगर हम देख सकते हैं हाइट ज्यादा थी और इस वजह से जो मिडिल स्टंप को मिसिंग कर रही थी ये गेंद, और इसी वजह से अंपायर जी ने इस अपील को नकारा और एक रन एम्पायर के रूप में तो मिलेगा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 12 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार यहाँ पे लोअर फील्ड टॉस, मगर दिल्यादून से खेल दिया था मंगाओं के क्षेत्र पर, वहाँ पे एक रन को पूरा किया और दूसरी रन करने का प्रयास किया था और तो सर की ओर से यहाँ पे 2000 का इनाम मिलने वाला है, अगर फील्डिंग करने वाली टीम जो रमी साहब की है अगर जीतते हैं तो यहाँ पे 2000 का इनाम मिलने वाला है। तो काफी सुनहरा मौका यहाँ पे फील्डिंग करने हो चुके, अभी भी इस ओवर में 4 गेंद आना बाकी, पहले 2 गेंदों में यहाँ पे 2 रन खर्च किए गेंदबाज विनय पाटिल ने। बहुत बढ़िया ये स्ट्रोक लगाया था मगर वहां पे फील्डर मौजूद था और इस वजह से एक रन तो पूरा करते हुए और एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे जाता हुआ अब तक 14 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 16 रन रिक्वायर्ड। यहाँ पे फंसाया मगर गेम नो मैन लैंड में और इस वजह से हम देख सकते बल्लेबाज सागर ने एक रन हासिल किया और एक रन के साथ स्कोर फिर से एक बार 15 रन। तो अभी 50% जो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी 15 रन की जरूरत है बचे हुए। हम देख सकते थे इस ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, मगर अगर जीतना है यहाँ पे रमेश साहब को तो विकेट यहाँ पे निकालने होगी, विकेट छिड़काने होगी, तभी तो कुछ काम बन सकता है। और मैंने बोला और वहां पे खंबा उखाड़ दिया कमोन डी से, उपस्थित आहेत तर नक्की तुमचा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतोय, कारण पाहिलं तर बरीचशी मंडळी मात्र घरी गेलेली आहे परंतु अजून सुद्धा या ठिकाणी आमच्या समवेत जॉईन आहेत, त्याबद्दल सर्व साहेब लोकांच्या वतीनं आमच्या समालोचकांच्या वतीनं मी तुमचे आभार व्यक्त करतोय। या षटकामधील शेवटला एक चेंडू खेळणं बाकी आहे,
स्कोर अब तक 15 रन और एक विकेट भी अपने नाम किया। आखिरी गेंद फिर से एक बार लॉर्ड फुलटॉस, मगर ये गेंद अपने लेग स्टंप के खिलाफ शायद यहाँ पे बल्ले को ये गेंद लगी और पहले ओवर की दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुके। अभी ये मैच में रन लाने की कोशिश गेंदबाज कर रहे हैं क्योंकि अभी देखेंगे तो बचे हुए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, क्या बात है। अगर ये गेंद की पहले दो या तीन गेंदें बिजली निकल दी है तो पूरी तरह से जो रमित सर की टीम है वो रमित सर की टीम पूरी तरह से यहाँ पे वापसी कर पाएगी। लेकिन जो पहली जो शुरुआती में जो तीन गेंदे हैं, जो तीन गेंदे के ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से रिजल्ट है, कोशिश करेंगे बल्लेबाजों को बीट करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित करने वाले। आपने लीजिए पहला टीम की तरफ से तीसरा ओवर में क्या पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे कैच हो सकता है और कैच अगर होता है तो 300 रुपए का इनाम भरत सर की ओर से रवि सर के लिए। कम ऑन डीजे थैंक यू, क्या बात है रवि। सुजीत ठाकुर और स्ट्राइक एंटर बल्लेबाज प्रणय, अभी देखेंगे तो जीतने के लिए 11 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, 11 गेंदे और 15 रन पड़ेगी सही दिशा और सही लंबाई के साथ। अगर बीच में हैट्रिक कर गेंद यहां पे पड़ती है तो प्रणय किसी भी हालत में बड़ा स्ट्रोक लगाने वाला। इसे बार एक बार अगली गेंद हैट्रिक कर गेंद और मैं पहले यहाँ पे बोल चुका था अगर ऐसी गेंद डालोगे तो पूरी तरह से यहाँ पे सफल होकर बड़े स्ट्रोक आएंगे और जिस समय ये आता हुआ चौवा तो 10 गेंदे और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। ये फासला बहुत बड़ा था मगर पूरी तरह से अभी कम किया ये चौवाने के बाद। पूरी तरह से हम देख सकते हैं जो बैटिंग करने वाली टीम है वो टीम के लिए आसान हो सकता है क्योंकि बचने 10 गेंदों में 11 रन मगर रन खर्च करते हो तो आखिरी ओवर में यहाँ पे मजा आएगा। 10 गेंदे 11 रन, एक बार अगली गेंद यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था मगर अंपायर जी ने नो करार दिया और उसी के साथ कैच भी छोड़ा और इसी के साथ मैच भी छोड़ा। एक कैचेस विन द मैचेस मगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कैच छोड़ा और उसी के साथ मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंदों में 8 रनों की जरूरत। सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, एक रन तो आसानी के साथ पूरे करते हुए मगर यहाँ पे हम देख सकते फील्डर के फील्डर को एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी और उसी के साथ अब देख सकते जहाँ पे 2 रन मिलने की संभावना थी वहां पर 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि अच्छी तरह से यहाँ पे फील्डिंग की फील्डर ने और 1 रन के साथ फिर से एक बार स्कोर 23 रन पर। अभी भी जीतने के लिए बची हुई जरूरत। सुजीत ठाकुर ये ओवर में ये मैच खत्म करते हैं या फिर इक्का दुक्का लेके ये मैच आखिरी ओवर पर ले जा सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं मगर सभी कोशिश रही कि इस ओवर में ये मैच खत्म करने की। ये पूरी तरह से हम देख सकते हैं इस टाइम के ऑप्शन के बाहर और अंपायर जी ने उसको वाइड करार दिया अतः इसे 1 रन मिलेगा और अभी देखेंगे तो जीतने के लिए बचे हुए 9 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। गरीबी का मैच खत्म करो, यही ओवर में मैच खत्म करो। ओके चलो विनय पाटिल टेक्निकल स्कोरर अपना जो रिजल्ट है वो मेरे को दीजिए।